ओरल कैविटी हमारे शरीर का सबसे बड़ा होल, जब तक हमारी आंखें खुली रहती है ना, तब तक कुछ ना कुछ इसके अंदर जाता ही रहता है। हम पानी पीते रहते हैं, कुछ ना कुछ लिक्विड पीते रहते हैं, कुछ भोजन जाता है हमारा इसी जगह पे, है ना, क्योंकि हमें सबको भोजन चाहिए ही होता है और यही हमारा मार्ग है। क्या आप जानते हैं इसी जगह पे हमारे सुरक्षा गार्ड भी बैठे हुए हैं, जो कि कुछ भी हमने ऐसा पी लिया या ऐसा भोजन कुछ कर लिया कि जो कि शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए था, हार्मफुल था, वो उसी को पकड़ लेते हैं और फाइट करते रहते हैं। जब कभी भी इनमें इन्फेक्शन आ जाता है तो ये सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, इसे ही कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी कि 5 प्रकार के जो टॉन्सिल्स होते हैं, कैसे हम छुटकारा पाएंगे यदि टॉन्सिलाइटिस हो गया। और इतना ही नहीं साथियों, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो ये फोसाई का काम करते हैं। फोसाई मतलब फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस। आइए जानेंगे फोसाई क्या है और कैसे छुटकारा पाएं 5 प्रकार के टॉन्सिल्स से। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, 5 प्रकार के हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, जिनमें है लैरिंजियल टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल। ये 5 प्रकार के टॉन्सिल्स इंटरनल ऑर्गन्स से इनका रिलेशन है, इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा से इनका रिलेशन है, साइनसिस से रिलेशन है, दांत से रिलेशन है और जॉइंट से रिलेशन है। जब कभी भी इनमें कोई ना कोई गड़बड़ी आ गई तब भी हमारे टॉन्सिल्स अफेक्टेड होंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ऑर्गन में कोई भी गड़बड़ी आई, प्रभाव कहाँ पर आएगा? टॉन्सिल्स पर। इसे कहते हैं फोसाई। फोसाई मतलब फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी बीमारी की जड़ कहीं और बीमारी कहीं। कहते हैं ना फ्रूट एंड रूट, रूट है नीचे, फ्रूट है जो ऊपर दिख रहा है। तो जो टॉन्सिल्स हैं ये हो गए फ्रूट, ये तो हमें दिख रहा है कि टॉन्सिल्स आ गया, इन्फेक्शन है ना, लेकिन ये किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? इतनी सारी चीजों से इनका संबंध है। इंटरनल ऑर्गन में कभी कोई गड़बड़ी आ गई जिससे रिलेटेड, क्योंकि 5 प्रकार के अभी टॉन्सिल्स बताए हैं ना, सबका संबंध इंटरनल ऑर्गन्स, अलग अलग इंटरनल ऑर्गन से है, स्पाइन की वर्टिब्रा से है, जॉइंट से है, दांतों से है, साइनसिस से है। तो 5 प्रकार के टॉन्सिल्स का जो ट्रीटमेंट है वो तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आप ठीक करेंगे, लेकिन यदि आपको और डिटेल में जानना है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत डिटेल की चीजें हैं। निकाह डालिए, बहुत सारे कोर्सेस हमने डिजाइन किए हुए हैं, जिस हमारा मकसद ये कि हम आपको घर बैठे चिकित्सक बना दें। यदि आप शुरुआती कर रहे हैं तो शुरू के कुछ जो 2 कोर्सेज हैं ये एज अ बिगनर्स उनके लिए हैं, और यदि आपको पहले से ही नॉलेज है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की तो आप हमारे मास्टर वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस है वो है टॉन्सिल्स। 16 वर्ष से बाद उम्र के बच्चों का फोकस ऑफ डिस्टर्बेंस टीथ होता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चूंकि टॉन्सिल्स की, तो 16 वर्ष से छोटे बच्चे, है ना, कभी भी कुछ भी आपने देखा ना, कभी भी शरीर में इन्फेक्शन आता है सबसे पहले उनका गला ही खराब हो जाता है, टॉन्सिल्स ही इनके अफेक्टेड होते हैं। और हमारी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली क्या कहती है, जब भी कभी बहुत जनरली रेगुलर यदि इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स रहने लग जाए ना तो सर्जरी करके निकाल के बाहर कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपने जाना ये सुरक्षा गार्ड है हमारे और कितनी चीजों का संकेत कर रहे हैं ना। आइए अब देखते हैं यदि 5 प्रकार के टॉन्सिल्स किसी को हो जाए तो आप कैसे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से ठीक करेंगे। आइए साथियों, अब निगाह डाल लेते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें जरूरत होगी स्टार मैग्नेट की और पेपर टेप की। साथियों, जो स्टार मैग्नेट है ना ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ये देखिए एक पॉइंटेड सा स्टार बना हुआ है मैग्नेट पे, तभी इसका नाम है स्टार मैग्नेट। हमें इस तरीके से इसके
स्किन पर लगाना है इसको कि जो पॉइंटेड वाला जिसका पार्ट है वो स्किन को टच करे। आइए अब निकाल डाल लेते हैं प्रेशर पॉइंट्स पर। ये पॉइंट्स हमारे हाथों में है, आएंगे थंब में यिन यांग बॉर्डर पर। यिन यांग का मतलब होता है जहां आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा मिल रहा हो उसकी मिलन बिंदु पर, एकदम बॉर्डर लाइन पर ये पॉइंट है। आएंगे थंब में अपर जॉइंट और जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ। इस पॉइंट का नाम है LY12 लिम्फ डीजनरेशन 12। ये पॉइंट CMP है, यानी कि कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। जो 5 टाइप्स के जो टॉन्सिल्स बताए उन 5 प्रकार के टॉन्सिल्स को ये कंट्रोल करता है, तो CMP है। इसके बाद आएंगे गिन साइट में और ये देखिए आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे। दोनों पॉइंट्स का नाम तो है LY12 लिम्फ डीजनरेशन 12। ये पॉइंट SMP है, SMP का मतलब होता है समेशन मेजरमेंट पॉइंट। ये 5 प्रकार के टॉन्सिल्स की टिश्यू लेवल की गड़बड़ियों को ठीक करता है, तो हमें इस पॉइंट को देना ही देना है। एक पॉइंट है साथियों, आएंगे मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में बिल्कुल मिड लाइन में ये टॉप पर है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है SP1। ये क्या करेगा, ये पॉइंट शरीर के जो अपर पोर्शन है वहां पर, क्योंकि मेजरमेंट पॉइंट है तो कहीं भी कोई इरिटेशन है ना, इसका ये स्पेसिफिक पॉइंट है। लिम्फ ग्लैंड में कहीं भी कोई गड़बड़ी आई उसका ये स्पेसिफिक पॉइंट है SP1। एक सारे के सारे पॉइंट्स पर एक एक स्टार मैग्नेट को लगाना है। आइए देखते हैं कैसे। आपने लिया एक स्टार मैग्नेट, ये जो हमारा पॉइंट था SP1, इस पर हम इस तरीके से एक स्टार मैग्नेट को लगा लेंगे। ये पॉइंट था हमारा LY12, इसके ऊपर हम इस तरीके से एक स्टार मैग्नेट को लगा लेंगे। और एक जो हमारा ये पॉइंट था CMP LY12, इसके ऊपर हम इस तरीके से एक स्टार मैग्नेट को लगा लेंगे। साथियों 10 से 12 घंटे ये मैग्नेट्स लगे रहेंगे। ये मैग्नेट्स डेली लगाने हैं, तब तक लगेंगे जब तक कि बच्चे के टॉन्सिल्स पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं। आप रोज रात में लगाकर भी बच्चे को सुला सकते हैं। जब सुबह बच्चा उठेगा तो मैग्नेट्स को निकाल लीजिएगा। आपस में जुड़कर मैग्नेट्स एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं, ये फिर से तैयार हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मैग्नेट्स पर्सनल होते हैं, जो भी स्किन पे एक बार जिसको भी लग गए, यदि हमने लगाए तो हमारे पर्सनल, बच्चे ने लगाए तो बच्चे के पर्सनल। इस तरीके से यूज्ड मैग्नेट्स ना तो आप किसी और को देंगे ना किसी और के यूज्ड मैग्नेट्स खुद लगाएंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है, पेपर टेप तो फेंक दीजिएगा, हर बार नई पेपर टेप ही लगेगी। लेकिन मैग्नेट्स जो चार्ज हो चुके हैं जुड़कर आपस में, उनको आप फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप कुछ दिन तक करिएगा, बच्चे को लगाइए, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, है ना, निकलवाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सुरक्षा गार्ड हैं, बहुत जरूरी है ये होना शरीर में। साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका भी मन है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने का, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा तो उद्देश्य ही है कि हम आपको घर बैठे ही सिखाएं, तो एक वेबसाइट की लिंक आपको नजर आ रही होगी। आप डायरेक्टली किसी भी कोर्स में आप एनरोल हो सकते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि मैग्नेट्स तो आपके पास है नहीं और ये कहाँ से मिलेंगे, तो वेबसाइट से ही आपको ये मैग्नेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, वहीं से आपको मिल जाएंगे। साथियों यदि आप भी ग्रसित हैं किसी परेशानी से और स्पेसिफिक कंसल्टेशन हमसे लेना चाहते हैं, तब भी आप वेबसाइट पे जाके बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, वहां से डायरेक्टली अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आपको स्पेसिफिक जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको भेज देंगे। साथियों जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।